Hello guys, welcome back to the platform of GRF Adda. I'm your home science educator Madhushree and this is my small background. अभी तक जिन लोग ने GRF Adda app download नहीं किया है वो website visit करें GRF Adda की, वहां से आप download कर सकते हो GRF Adda app. और those are the enlisted subjects जिसके regular basis पे class लिया जाता है GRF Adda में, ठीक है. और अर्ली बर्ड बैच कोर्स है दिसंबर एग्जाम के लिए फॉर पेपर वन एंड पेपर टू स्पेसिफिकली फॉर होम साइंस. इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन जॉइन, देन यू हैव टू पे 999, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ द पेपर. यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, आपको पी वाई क्यूज मिल जाएगा 2022-23 के डिटेल सोल्यूशन, और आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो फॉर पेपर वन. अगर आप सिर्फ पेपर टू परचेस करना चाहते हो फॉर होम साइंस, यू कैन परचेस, यू हैव टू पे 6999, ठीक है, 6999. यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, पीडीएफ मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, पी वाई क्यूज मिल जाएगा 2022-23 के डिटेल सोल्यूशन. और ये प्ले लिस्ट आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो फॉर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. ये आपको GRF Adda जो चैनल है यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जितने भी होम साइंस के प्रीवियस वीडियोस हो गया है, क्लासेस हो गया है, उसको फिर से आप देख सकते हो एग्जाम से पहले, ठीक है. और ये GRF Adda होम साइंस टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपके क्लास के बाद पीडीएफ शेयर किया जाता है. इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन. ये मॉक टेस्ट सीरीज है होम साइंस के, टोटल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके GRF Adda. आप पहले वेबसाइट विजिट करो, कोर्सेज में जाना, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है. और टेस्ट सीरीज के लिए फॉर पेपर वन एंड पेपर टू स्पेसिफिकली होम साइंस के लिए, अगर मॉक टेस्ट आप परचेस करना चाहते हो देन यू हैव टू पे 1499. कोई भी क्वेरी होगा तो ये जो मेंशन नंबर है यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है. सो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल. ठीक है, जो आप लोग ने बोला था मोस्ट रिक्वेस्टेड वन है, जहाँ से एक बार मतलब हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है. डिफरेंट वे में पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है, इवन आपके मैचिंग में क्वेश्चन होता है. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं जब प्रिपेयर कर रही थी मुझे तो ये वाला जो पोर्शन है, एरिया है टेक्सटाइल में, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता था. और यहाँ से ना बहुत अनकॉमन और कॉमन आपको नाम भी मिलेगा, अगर जिस मतलब स्टेट स्पेसिफिक वे में हर स्टेट से कोई कोई बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के जो आपके जो टेक्सटाइल है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, उसके बारे में भी आपको पता है, पर आप नया भी आपको जानने के लिए मिलेगा पूरे ओवरऑल इंडिया से. सो बहुत इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है, आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ते हुए जाना, कौन से स्टिचेस यूज होता है, कौन से मोटिफ यूज होता है, यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है हर बार, डायरेक्ट में, डायरेक्ट अप्रोच में भी, इनडायरेक्ट अप्रोच में भी, ठीक है. तो फर्स्ट जो आपके है वो है गुजरात से, सिंधी, सिंधी ऑफ गुजरात. तो सिंधी क्या है, सिंधी इज टाउन इन सिंधी एरिया ऑफ गुजरात. बेस क्या है फैब्रिक का, कॉटन ऑफ व्हाइट इंडिगो कलर, ठीक है. स्टिचेस, डार्निंग स्टिच यूज होता है, चेन, हेरिंग बोन स्टिच, बटन होल स्टिच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. स्टिचेस आपको याद करके जाना है, कौन से टेक्सटाइल में कौन से स्टिच यूज होता है, कौन से एरिया से, एरिया स्पेसिफिक, ठीक है, या स्टेट स्पेसिफिक, कौन से मोटिव यूज होता है, ज्योमेट्रिक बॉर्डर, एट पॉइंटेड स्टार पैटर्न, मिरर, फ्लोरल, पीकॉक, बार्ड्स एंड ट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिंधी के जो है आपको फैब्रिक जान के जाना है, कौन से फैब्रिक यूज किया जाता है, कॉटन ऑफ व्हाइट एंड इंडिगो कलर मेंशन है स्पेसिफिकली, याद से, ध्यान से याद करते हुए जाना. फिर स्टिचेस एंड मोटिव्स, ठीक है, ये देखो, सोफा कवर, बेड कवर, फिर टोपीज, कुशन कवर, टेबल कवर, ठीक है, इवन मॉडर्न ड्रेसेस, ठीक है, जिसको अभाया बोला जाता है, इस्लामिक वेयर, तो इसमें भी सिंधी के जो वर्क है ये करा जाता है, ठीक है. फिर अभी वॉल हैंगिंग में भी यूज होता है, हैंड बैग में, फिर जूतीज में, फिर आपके ब्रेसल्स और बुक कवर्स में भी यूज होता है, ठीक है. तो अबाया जो है यहाँ से पी वाई क्यू पूछा गया है, ठीक है. अबाया इज इस्लामिक वेयर्स, ठीक है, जिसमें सिंधी का काम किया जाता है. अब देखो काशीदा,
काशीदा ऑफ कश्मीर, ठीक है, केसे काशीदा केसे कश्मीर, याद रखना। अकबर वो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टाइप ऑफ शॉल, इट्स कॉल्ड दोशाला, मीनिंग ट्विन शॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो मतलब टू, टू ट्विन शॉल्स, ठीक है, दोशाला। द डिमांड ऑफ द शॉल्स इंक्रीज ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स, बाय द 18th सेंचुरी दे आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू द यूरोप एंड बाय 19th सेंचुरी द शॉल इंडस्ट्री वर डिक्लाइंड। तो 18th सेंचुरी में ये फेमस हुआ था और 19th सेंचुरी में धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा है। कौन सा थ्रेड यूज किया जाता है? फाइन सिल्क, कॉटन एंड वूल। कलर्स व्हाइट, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, येलो एंड ब्लैक। फैब्रिक, द बेस ऑफ द फैब्रिक यूज्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी इज पश्मीना, ईदर इट्स अ नेचुरल कलर बीइंग ऑफ व्हाइट और डाइड इन द डार्क कलर मरून, नेवी ब्लू, डार्क ग्रीन, पीच, ऑरेंज। सिल्क, पश्मीना और पश्मीना ऊल ब्लेंड्स आर यूज्ड, ठीक है। तो काशीदा से जो आपके फैब्रिक है वो याद रखना, पश्मीना और पश्मीना ब्लेंड ऊल, ठीक है। स्टीचेस कौन सा है? चेन स्टिच, डार्निंग स्टिच, स्टेम स्टिच, समटाइम नॉट स्टिच, कॉल्ड एज दूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कशीदा में जो नॉट स्टिच यूज होता है दोज आर कॉल्ड दूरी। मोटिव्स, नेचुरल मोटिव लाइक पैरट, लोटस, लीली, सैफरन, ग्रेप्स, चेरीज, आलमंड, एप्पल्स आर यूज, ठीक है। ये देखो पश्मीना के बेडशीट, पश्मीना शॉल। पश्मीना जो शॉल है वो बहुत महंगा होता है, जो आपके ओरिजिनल होता है वो बहुत महंगा होता है, ठीक है। इट्स अराउंड 9,000, 10,000। मैट्स भी यूज होता है, जैकेट्स में भी इसका काम किया जाता है, साड़ीज, फिर सूट्स एंड बेल्ट्स में, ठीक है। अब देखो फुलकारी, फुलकारी ऑफ पंजाब, पीसे फुलकारी पीसे पंजाब, ऐसे याद रखना। फुलकारी इज अ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ पंजाब स्टेट। फुलकारी इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, फुल मीन्स फ्लोरल, ठीक है, करी मीन्स वर्क, ठीक है। तो फ्लोरल वर्क इट्स कॉल्ड फुलकारी। द एम्ब्रॉयडरी इज सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे किसमें यूज होता है, ठीक है। एरिया ऑफ फुलकारी वर्क कहाँ पे होता है? पाकिस्तान में, स्पेसिफिक पेशावर, जेलुम, रावलपिंडी, हजारा में होता है। इंडिया में अमृतसर, जालंधर, अंबाला, लुधियाना, पटियाला, नंबा, जींद, फिर फरीदकोट एंड कपूरथल में होता है, ठीक है। फैब्रिक खद्दर क्लॉथ यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरस होता है, लूज विव कॉटन फैब्रिक होता है खद्दर, ठीक है। अब फैब्रिक कलर्स है, रेड इट शेड्स टू अदर आर ब्राउन, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। तो मेनली रेड के जो बेस है उसमें ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और अदर टोन में आपके ब्राउन, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट यूज होता है। थ्रेड्स, डाइड अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड पैट आर यूज्ड, ठीक है। तो डाइड अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड्स आर कॉल्ड व्हाट? पैट, व्हिच आर यूज्ड इन काशीदा। समटाइम्स ब्लैक एंड व्हाइट कॉटन थ्रेड्स कॉल्ड बांदी आर आल्सो यूज्ड, ठीक है। तो दो प्रकार के थ्रेड यूज होता है, एक है पैट, दूसरा है बांदी। थ्रेड कलर्स आर रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट, गोल्डन, येलो, ब्लू। स्टीचेस, डार्निंग स्टीच, समटाइम्स रनिंग, हेरिंग बोन, बटन होल, स्टेम एंड चेन स्टीचेस आर ऑल्सो यूज। कौन से मोटिव? जोमेट्रिक मोटिव्स, यहाँ पे देखो आपके राइट हैंड साइड पे जोमेट्रिक मोटिव्स, एनिमल लाइक पैरट, पीकॉक, कैमल्स, ठीक है। डे टू डे लाइफ मोटिव्स लाइक ब्रिंजल, ऑरेंज, कॉलीफ्लावर, पियर, करेला, फिर सूर्यमुखी, चिलीज, मेज। नो रिलीजियस सब्जेक्ट्स और दरबार सीन्स आर एम्ब्रॉयड्री, ठीक है। इवन दरबार सीन्स भी एम्ब्रॉयड्री नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो मोटिव्स है आपके ब्रिंजल, ऑरेंज, कॉलीफ्लावर, सूर्यमुखी, चिलीज, मेज, यही आपके इम्प्लीमेंट किया जाता है ड्यूरिंग आपके मोटिव बनाने के टाइम पे, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्स विच आर अगर यूज्ड इन फेरे टाइम ड्यूरिंग द मैरिज, ठीक है।
तो आपके ये चद्दर जो है ठीक है, ये भी यूज किया जाता है, बेड कवर्स है ठीक है, इसमें साड़ीज में यूज होता है, अम्ब्रेलास फैंस में यूज होता है ठीक है। अब देखो कलमकारी, कलमकारी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से है ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। इट रेफर्स द मेथड्स ऑफ पेंटिंग नेचुरल डाइज ऑन कॉटन और सिल्क विद अ पेन और कलम ठीक है। द नेम कलमकारी ट्रांसलेट, कलम मीन्स पेन, कारी मीन्स वर्क, मतलब पेन वर्क। इट इज अ हैंड पेंटिंग प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कलमकारी है इट इज अ हैंड पेंटिंग प्रोसेस। वेजिटेबल डाइज आर यूज्ड एंड फैब्रिक इज पेंटेड विद अ कलम। द टेम्पल वेयर आर मेजर इंस्पिरेशन फॉर दिस डिजाइन ऑफ कलमकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेम्पल वर्क कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? कलमकारी में ठीक है। मोटिव्स क्या है? सन, टेम्पल, गॉड, गॉडेस, ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ से क्वेश्चन PYQ में पूछा गया था, तो ट्री ऑफ लाइफ कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? कलमकारी में। टेम्पल वर्क कहाँ पे? कलमकारी में देखने के लिए मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते हुए जाना। फिर टाइगर डियर सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत ठीक है। यहाँ पे देखो ट्री ऑफ लाइफ ऐसे देखने के लिए मिलता है ठीक है। फिर डांस ऑफ गणेशा, ये वॉल हैंगिंग है, यहाँ पे है डांस ऑफ गणेशा ठीक है। बेडशीट में है, देखने के लिए मिलता है। फिर है मधुबनी, मधुबनी कहाँ से है? बिहार से है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन क्राफ्ट वर्क नोन एज मिथिला पेंटिंग ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके जो मधुबनी वर्क है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मिथिला पेंटिंग। द पेंटिंग यूजुअली डन ऑन वॉल्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, रिलीजियस इवेंट्स एंड फैमिली फंक्शंस। मोटिव रिलीजियस मोटिव लाइक कृष्णा, राम, शिवा, लक्ष्मी, सरस्वती, नेचुरल ऑब्जेक्ट सच एज सन, मून, तुलसी, ये सब आपके पॉइंट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। और जनरली नो स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी, द गैप्स आर फिल्ड बाई द पेंटिंग ऑफ फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन। कलर कौन सा यूज होता है? ब्लैक, येलो, ग्रीन, रेड, व्हाइट, ऑरेंज ठीक है। इट्स अ क्राफ्ट वर्क, यहाँ पे देखो मधुबनी वर्क है। इवन तर्सर साड़ीज में भी मधुबनी वर्क, कोई भी साड़ीज में, स्पेसिफिकली सिल्क साड़ीज में मधुबनी किया जाता है। आपके दुपट्टा भी होता है मधुबनी के, बहुत सुंदर सुंदर, मेरे पास भी दो है इसलिए मैं बोल रही हूँ ठीक है। तो आई होप आप लोग के पास भी है, नहीं है तो खरीद लेना। इसका कुर्ताज भी मिलता है, सूट सेट भी है, बहुत सुंदर देखने के लिए मिलता है। अब देखो बांधनी, बांधनी कहाँ से है? राजस्थान और गुजरात से है। द टर्म बांधनी इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड बांदा मीन्स टू टाई ठीक है। तो कहाँ से आया है बांधनी? बांधा से आया है, इट्स मीन टू टाई। बांधनी इज ऑल्सो नोन एज बांधेज एंड टाई डाई। द फैब्रिक, फैब्रिक है कॉटन और सिल्क में, डिजाइन डॉट, स्क्वायर, वेब्स एंड स्ट्रिप्स। कलर येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। देखो साड़ीज में, सूट्स में ठीक है ये यूज होता है। अब देखो चिकनकारी, चिकनकारी कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। चिकनकारी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन वर्ड्स चाकिन और चाकिन ठीक है, विच मीन्स क्रिएटिंग डेलिकेट पैटर्न्स ऑन फैब्रिक। इन इंडिया चिकनकारी ऑल्सो डन इन लखनऊ, रामपुर, वाराणसी, अलाहाबाद एंड दिल्ली। नाउ इट इज कॉल्ड लखनऊ ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट वर्क ठीक है। तो ये जो चिकनकारी है ठीक है, स्पेसिफिकली इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट वर्क ठीक है, जो आपके उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। बेस फैब्रिक क्या है? ट्रेडिशनली वेरी फाइन कॉटन यूज, जनरली व्हाइट कलर, अदर फैब्रिक्स लाइक ऑर्गेंडी, शिफॉन, विस्कस, जॉर्जेट, पॉलिएस्टर ठीक है, दोज आर ऑल्सो यूज। एंड कलर्स में क्या है? पिंक, ब्लू, पीच, पिस्ता ग्रीन यूज होता है। ब्लैक ऑल्सो यूज एज बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस डेज ठीक है। तो पहले ब्लैक यूज नहीं होता था, पर इस स्टडी मतलब चेंज हो रहा है, तो आपके जो चॉइस ऑफ टेस्ट है ना, वो भी इंसान के चेंज हो रहा है। तो ब्लैक में भी बहुत सारे चिकनकारी कुर्ता साड़ीज देखने के लिए मिलता है ना। अब मोटिव्स, द मोस्ट कॉमन मोटिव्स इन चिकन यूज्ड इज कारी वर्क ऑफ लखनऊ ठीक है। एंड फ्लोरल मोटिव यूज होता है, विच आर यूज इधर थ्रू आउट द गारमेंट। इन द कॉर्नर इंक्लूड जस्मिन, रोज, लोटस। फ्रूट्स में मैंगो, आपके ग्रेप्स आर यूज। फिर दस देर इज नो एनिमल, एनिमल और ह्यूमन के आपके जो वर्क है वो
नहीं किया जाता है. स्पेसिफिकली जो मोटिव्स है दोज आर बेस्ड ऑन व्हाट, दोज आर बेस्ड ऑन फ्लावर, फ्लावर बेस्ड मोटिव्स या फ्रूट बेस्ड मोटिव चिकनकारी में देखने के लिए मिलता है. इम्पॉर्टेंट है याद करते हुए जाना. अब थ्रेड्स, इट्स ओल्ड टाइम वाइट अनट्विस्टेड कॉटन, समटाइम ट्विस्टेड सिल्क थ्रेड आर यूज्ड, बट नाउ कलर्ड थ्रेड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क आर यूज्ड. स्टीचेस बटन होल, हेरिंग बोन, फ्रेंच नॉट, बैक स्टिच, स्टेम, साटिन स्टिच आर यूज्ड. अब देखो ये कुर्ताज में है, सूट्स में है, ठीक है, ऐसे देखने के लिए मिलता है. अब देखो कसौती, कसौती ऑफ कर्नाटका. कसौती इज वर्ल्ड फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ कर्नाटका स्टेट. द वर्ड कसौती कैन बी एनालाइज्ड एज काई मीनिंग हैंड एंड सूती मीन्स कॉटन थ्रेड. अदर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बिलासपुर, धारवाड़, बेलगाम, फिर जामाकंदी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है. कलर्स रेड एंड ऑरेंज थ्रेड, कॉटन, एंकोर, कोहिनूर. स्टीचेस कौन सा है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल स्टीचेस. कसौती इज डन ऑलवेज इन काउंटिंग थ्रेड. मोटिव लोटस, फिर रथ, पालकी विद ब्राइड, फिर गुजलस, लक्ष्मी, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्री ऑफ तुलसी, ठीक है. इंपॉर्टेंट है कसौती में जो अनकॉमन मिलता है ना, जैसे ट्री ऑफ लाइफ ऑफ ट्री, ट्री ऑफ तुलसी कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ट्री ऑफ तुलसी जो है वो कसौती में देखने के लिए मिलता है. टेक्निक क्या है, द पैटर्न इज टू बी एम्ब्रॉयडर्ड इज फर्स्ट मार्क विद द चारकोल पेंसिल एंड देन प्रॉपर नीडल्स एंड थ्रेड्स आर यूज्ड. देखो ये है टेबल कवर्स, ठीक है, ऐसे देखने के लिए मिलता है. फिर कांथा, कांथा कहाँ से है, बंगाल से है. द ट्रेडिशनल फोक आर्ट ऑफ बंगाल इज कॉल्ड एज कांथा. द फर्स्ट टाइम द कांथा वेयर कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड इन 1875 इन पटना. द कांथा आर प्रोड्यूस्ड इन हुगली, पटना, जशोर, फरीदपुर, खुलना, द पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है. जो खुलना जो है अभी तो वो बांग्लादेश में है, फरीदपुर भी बांग्लादेश में है, ठीक है, पर हुगली, हुगली आपके वेस्ट बंगाल में है. जशोर भी बांग्लादेश की पार्ट है, ठीक है. तो आपके जो ये वेस्टर्न पार्ट है ये स्पेसिफिकली आपके अभी बांग्लादेश वाला पार्ट है ना. तो बेस फैब्रिक व्हाइट कॉटन एंड सिल्क. कलर्स ऑफ बेस फैब्रिक व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक. ब्लैक स्टिचेस क्या है, रनिंग स्टेम, सटिन एंड डार्निंग स्टिच. थ्रेड्स क्या है, व्हाइट कॉटन एंड सिल्क. अब मोटिव, लोटस मोटिव इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन कांथा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोटस मोटिव कौन से वर्क में देखने के लिए मिलता है, कांथा में. सिनेरीज, डे टू डे लाइफ सीन्स, रामायण, महाभारत, यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है. सीन्स ऑफ गॉड्स लाइक बुल, पीकॉक, टेम्पल, स्वान, फिर लायन, एलिफेंट, ये देखने के लिए मिलता है. गणेशा, सरस्वती, ट्रीज, ह्यूमन फिगर, एनिमल्स, फिर स्पाइरल फिगर, बर्ड्स, फिश, नट, मिरर, कॉम्ब फिगर, अम्ब्रेला, बोट्स, ज्वेलरी, ये सब मोटिव्स होता है कांथा स्टिच में, ठीक है. ये टेबल कवर है, बेडशीट है, कारपेट्स है, साड़ीज है. अब ट्रेडिशनल ओवन 6 टाइप के हैं. क्या क्या है, बालूचोरी, ब्रोकेट, इक्कत, जामदानी, पटोला एंड पोचमपल्ली. अब बालूचोरी, बालूचोरी कहाँ है, वेस्ट बंगाल की है. इट बिलोंग्स टू मुर्शिदाबाद. बालूचोर रेफर्स द ट्रेडिशनल वीविंग सिल्क साड़ीज विथ फ्लोरल ज्योमेट्रिकल सिल्क ब्रोकेटेड डिजाइन ऑन इट. द सिल्क साड़ी इज ऑल्सो नोन एज बालूचोर, भुट्टेदार, ठीक है. इम्पॉर्टेंट है याद करते हुए जाना. मोटिव्स, स्टाइलिश ट्रीज, वेमेन स्मोकिंग, हुक्का, मैंगो मैन राइडिंग ऑन हॉर्स वन एक्सेट्रा, ये सारे मोटिव्स होता है. कलर्स में डार्क रेड एंड ब्लू फैब्रिक सिल्क साड़ीज में होता है. अब है ब्रोकेड्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिलोंग्स टू वाराणसी. ब्रोकेड रैप एंड वेप्ड आर यूज्ड इन डिफरेंट कलर्स, समटाइम्स आर द सेम, डन इन हैंडलूम. ब्रोकेड इज पॉपुलर ऑफ देयर हैवी वेट, ठीक है. आपके कलर्स ब्राइट येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू. मोटिव्स एलिफेंट, पेन, पैरेट, फ्लोरल, हॉर्स, राइडर, कलश, ये सारे मोटिव्स होता है. थ्रेड्स गोल्ड थ्रेड्स इन ओल्डर टाइम, नाउ इट इज मेटलिक थ्रेड्स आर यूज्ड.
अब इक्कत, इक्कत कहाँ से है? उड़ीसा से है। रिलेटेड टू टाई डाई प्रोसेस, नॉर्मली रैप और वेफ्ट यर्न इज डाइड विद द टाई डाई प्रोसेस एंड अंदर इज प्लेन। ठीक है, मोटिव्स बर्ड्स, फिश, फ्लावर, एनिमल्स। ठीक है, कलर्स रेड एंड ब्लैक में यूज होता है। जामदानी, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, जामदानी होगा। जामदानी कहाँ से है? बंगाल से है। इन 19th सेंचुरी ढाका मुस्लिन विद अ वेवन इन पैटर्न आर यूज्ड इन जामरानी। ठीक है, तो बांग्लादेश के जो कैपिटल है ढाका, हम लोग को पता है, तो ढाका मुस्लिन यूज होता था 19th सेंचुरी में। टिपिकल डिजाइन आर द फ्लावर्स फिगर्स यूज्ड इन ढाका वेवर्स नोन एज जामदानी पैटर्न। अब है पटोला। पटोला कहाँ से है? गुजरात से है। पटोला इज अ गुजराती वर्क डन इन अ लूम। अदर नेम इज डबल इक्कत साड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पटोला का दूसरा नेम क्या है? डबल इक्कत साड़ी। द पटोला इज मोस्टली यूज इन वेडिंग साड़ी इन गुजरात। मोटिव ज्वेल, एलिफेंट, डांसिंग वेमेन, बर्ड एंड पेन। कलर्स ब्राइट रेड, ऑरेंज, ग्रीन, नेवी ब्लू, वायलेट, ऑफ व्हाइट। वीव क्या है? प्लेन वीव इज यूज ऑन दिस। फिर पोचमपल्ली कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। द विलेज नोन एज पोचमपल्ली विच इज 30 miles अवे फ्रॉम हैदराबाद सिटी इज डन बाई टाई डाई प्रोसेस। थ्रेड्स, गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स आर यूज। डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, मरून, वायलेट, मजेंडा एंड पिकॉक्स आपके मोटिव यूज होता है। ठीक है, और प्लेन एंड वेरी वाइड बॉर्डर पल्लू ज्योमेट्रिकल मोटिव्स भी देखने के लिए मिलता है। अब है क्या? चांदेरी। चांदेरी कहाँ है? इट्स अ टाउन इन अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। चांदेरी वीव इज अवेलेबल इन कॉटन एज वेल एज इन सिल्क। चांदेरी फैब्रिक आर नोन फॉर देयर शीयर टेक्सचर, लाइट वेट एंड ग्लॉसी ट्रांसपेरेंसी। एंड साड़ीज, दुपट्टा, स्टोल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल कलर्स विद जरी बॉर्डर इन द मोटिव्स लाइक लोटस फ्लावर, ट्रीज, बूटीज, लीव्स एंड पीकॉक। अब देखो चंबा रुमाल फ्रॉम हिमाचल। फ्रॉम अर्ली 18th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी चंबा एंड इट्स नेबरिंग हिल स्टेट्स सच एज खांगरा एंड बशोली फॉर्म द रुमाल प्रोडक्शन। मटेरियल फाइन खद्दर एंड सिल्क। कलर ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, पर्पल एंड क्रिम्सन। अब देखो स्टिचेस कौन सा यूज होता है? डबल डर्निंग स्टिच, यहाँ पे आप पिक्चर देखने के लिए मिल रहा है, रनिंग स्टिच, चेन स्टिच एंड हेरिंग बोन स्टिच। ठीक है, ये स्टिचेस का नाम याद करते हुए जाना जो चंबा रुमाल में यूज होता है। मोटिव्स क्या? राधा कृष्ण फ्रॉम रासलीला, सीन्स ऑफ कृष्णास लाइफ, माइथोलॉजिकल एपिसोड्स, जो चंबा रुमाल में दर्शाया जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा है और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल डिफरेंट मोटिव स्टिच से पूछा जाता है, कौन से स्टेट से कौन से टेक्सटाइल बिलोंग करता है ये पूछा जाता है। ध्यान से पढ़ते हुए जाना, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक दो बार रिवाइज कर लेना और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी विथ हिंदी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में है पर मैं हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके डाल दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। एंड दिस इज अ डेली स्केड्यूल। यूट्यूब में क्लास रहता है 8 बजे से मंडे टू फ्राइडे। पेड सेशन रहता है आपके JRF अड्डा ऐप पे वेनेसडे, सैटरडे एंड संडे रात की 9 बजे से। सो कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।